बारिश हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप तुरंत मेरी इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और हल्के हल्के से बूंद भी आ रही है और बादल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गरज रहा है। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे जो मेरी पहली वाली वीडियो अपलोड की है, अभी आपको मौसम जो हम दिखाते हैं आपको। तो गाइस, अभी बुढ़िया को मैंने अंदर बांध दिया है, क्योंकि पता नहीं है कितनी ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाए, फिर अगर ये बीमार वगैरह हो गए तो फिर इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने चाहता ये बेकार में परेशान वगैरह हो या तो इसको कुछ दर्द वगैरह की, इसकी हालत अच्छी नहीं रहे। तो कितनी ज़ोर से हवा चल रही है और कितनी जल्दी से बारिश आ गई, तो मैंने सिर्फ चूल्हा आता है वही वही ढकाया बस अभी। तो आपको एक बार दिखाता हूँ कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो आप देख सकते हो, मतलब घर के सामने छोटा सा पेड़ है, इस पर चल रही है और बहुत, आपको वीडियो में लग रहा होगा कि भी इतनी ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही, पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी आने लग गई है और बिजली देखो कैसे कड़क रही है। तो अभी जो कुछ भी सामान बाहर भीगने वाला है उसको मैं जल्दी से ढक देता हूँ या फिर उसको अंदर रखता हूँ। तो आप देख सकते हो हल्का फुल्का सा भीग गया हूँ मैं, बारिश तेज़ आ रखी थी। बाकी ये है, टाइम से पता चल गया, क्योंकि मैं साइड वाले में बैठा था हुक्का वगैरह पीने के लिए, तो फिर जैसे ही बारिश वगैरह आई तो मैंने जल्दी से ढक दिया, कुछ ख़राब नहीं होने दिया। और जो भी बुढ़िया की चाट वगैरह थी वो भी आरे में मैंने रख दी। तो अभी मौसम तो वैसे हवा तो ठंडी ठंडी चल रही है, बट ये बारिश हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। सो गाइस, अपनी डाइट है अभी, आपको दिखाते हैं कि दही, सोयाबीन और थोड़ा सा हलवा। सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो गाइज छिपकली कैसे चिपकी हुई है। सो हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूँ। तो आज है मेरा सेकंड एग्ज़ाम, अभी चार एग्ज़ाम और बचे हुए हैं, तो देखते हैं इस वाले एग्ज़ाम में क्या रहता है, पास होते हैं नहीं होते हैं। ऐसा लग रहा है पास हो जाएंगे, बट मैं थोड़ी देर रिवाइज कर लूँगा चैप्टर्स को, और अगर कुछ भी बात रहती है तो मैं आपको बताता हूँ। और आज दुख तो यही है बस कि आज मैं जिम में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि आज एग्ज़ाम है और स्कूल में जल्दी पहुँचना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, मैं अभी नहा धो के तैयार हो गया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वैसे तैयारी तो कर रखी है, फिर भी देखते हैं क्या रहता है। सो फ्रेंड्स, आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं कि एग्ज़ाम वाले दिन आज मैं क्या खा के जा रहा हूँ। सो तीन पराठे हैं, दही है और मिर्च का अचार है। तो सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ता है एग्ज़ाम वाले दिन, तो आज के लिए ब्रेकफास्ट ही ठीक है। सो गाइस, रेडी हो लिए हाँ, पेन वगैरह ले लिए हैं, तो चलते हैं साइड वाले में एक हुक्का पी गए, फिर एग्ज़ाम वगैरह देने चलेंगे। आज का एग्ज़ाम भी वही बहुत बढ़िया हो गया, 500 बजे वहाँ गया था मैं। सो गाइस, बेसन के लिए का आए हैं 50 रुपये का, तो बेसन से कुछ बनाऊंगे, तो आप उन्हें बतावाँगे कि बनाया है, वीडियो में जुड़े रहिए। सो गाइस, ये है बेसन का चीला, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो आज ओल्ड डाइट की जगह मैंने ये लिया है, क्योंकि छोले और चने थे नहीं। सो है गाइस, मैं खाना वाना खाने के बाद सो गया था थोड़ी देर, तो अभी 4:30 हो रखे हैं, तो अभी उठते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सो मैं जनू बाहर गया इबे, और कई बना खतर देखी हूँ बगरों में कि सुती हो रही है, 2 मिनट में सारे देह में खाद मचन गए, क्योंकि अभी एक मतलब गाय का बच्चा आया था, मतलब बहुत कमज़ोर हो रखा था। अगर आपके घर वगैरह जहाँ पे भी आप रहते हो आए, तो आप एक या दो रोटी उनको दे दिया करो, कुछ नहीं होता एक दो रोटी में, पर ये उनका थोड़ा बहुत तो पेट भर ही जाता है। सो ये गाइस, आज मैं घूमने के लिए आया हुआ हूँ खेतों की तरफ, और ये मेरा गांव का दोस्त है, तो दोनों साथ में घूमने की तरफ आए हुए हैं खेतों में, तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं।
अभी गांव में खेतों की तरफ आया हुआ था मैं, तो अभी यहाँ पे धान वगैरह बो रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो धान की खेती यानी कि चावल वगैरह होते हैं ना, उनकी खेती होती है ये। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी स्टे फिट।